हेलो एवरीवन, मैं नितिश खन्ना और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम क्लास 8 साइंस। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझाया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कोल और कोल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ और अपने इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम से, कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कोल के फॉर्मेशन के बारे में बताया था, कार्बनाइजेशन के बारे में बताया था कि किस तरीके से हमारी पृथ्वी के अंदर जो घने जंगल हुआ करते थे वो किस तरीके से कार्बन में चेंज हो गए और उस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहा जाता था। आज मैं आपको समझाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में। ऐसा माना जाता था कि जो समुद्री हमारे एरिया हैं, जो हमारे समुद्र हैं, जो हमारे ओशियंस हैं, उनके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते थे वो रहते हैं। जब उनकी बॉडी ख़त्म हो जाती है तो उनकी बॉडी जो है वो डीकम्पोज होती है और डीकम्पोज होने के साथ ही वो सारी जो बॉडीज होती हैं, चाहे वो प्लांट्स की हैं चाहे वो किसी एनिमल की हैं, वो सारी के सारी सी बेड में चली जाती हैं। और जैसे कि मैंने आपको कोल वाले टॉपिक में भी समझाया था कि जो अर्थ के अंदर का टेम्परेचर है, जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे वो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ऊपर का प्रेशर, तो समुद्र के अंदर और जो समुद्री एरिया होते हैं उनके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी ख़त्म होती है वो डीकम्पोज होने के बाद जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रूप ले लेती है। और जैसे कि आपको पता है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ड्रिल करके हम प्राप्त करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है? जब भी हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट कच्चे रूप में मिलते हैं, मतलब एज अ रॉ मटेरियल मिलते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपस में सारे मिक्स होते हैं, उन सबको सेपरेट करना, पेट्रोल को अलग करना, डीजल को अलग करना, कैरोसिन को अलग करना, दिस इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और ये काम जहाँ किया जाता है उनको हम पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं। तो अब हम आते हैं नेचुरल गैस के टॉपिक में। नेचुरल गैस, जिसमें आपने सीएनजी का नाम सुना होगा, सीएनजी मींस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक्चुअली ये एक तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही होता है। और ऐसा माना जाता है कि सीएनजी इज मच क्लीनर फ्यूल देन पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल से ये ज़्यादा साफ प्रोडक्ट होता है, साफ पेट्रोलियम होता है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आजकल बड़ी मात्रा के अंदर जो हमारे व्हीकल्स हैं उनके अंदर सीएनजी का यूज़ किया जाता है, हमारे घरों में एज अ फ्यूल एलपीजी का यूज़ किया जाता है। तो नेचुरल गैस जो मतलब आजकल बहुत ज़्यादा यूजफुल हमारे लिए इसलिए है क्योंकि एक तो पाइप्स के द्वारा इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आजकल आपने जैसे देखा है कि घरों घरों तक एलपीजी गैसेस आ रही हैं जो हमारे घरों में एज अ फ्यूल यूज़ करती है, खाना पकाने के लिए यूज़ उसका किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीएनजी और जो एलपीजी, जो हमारी नेचुरल गैसेज हैं, वो काफ़ी एडवांटेजेस हैं हमारे लिए, बहुत ज़्यादा एक अच्छे फ्यूल्स माने जाते हैं क्योंकि इनको हम कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू पाइप के द्वारा, हम इसको कहीं भी इसका जो है मतलब आदान प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा ये मच क्लीनर फ्यूल होता है, एक साफ फ्यूल होता है। अगर हम पेट्रोल और डीजल से कंपेयर करें तो इनमें पोल्यूशन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि आजकल जितने भी व्हीकल्स हैं उनके अंदर सीएनजी का ज़्यादा यूज़ किया जाए ताकि हमारे एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन कम हो। आते हैं अपने अगले टॉपिक्स में और अब मैं आपको बात करूंगा कुछ यूजफुल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं और कौन कौन से यूजेस होते हैं, क्या क्या इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम एलपीजी की बात करते हैं, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। जैसे कि आपको पता है आज के टाइम पे लगभग हर घर के अंदर एलपीजी का यूज़ घरों में फॉर कुकिंग किया जाता है। घरों के अंदर जो हमारे सिलेंडर होते हैं उनके अंदर एलपीजी गैस होती हैं और ये जो गैस होती है ये हमारे घरों में खाना पकाने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि आपको पता है कि पहले के समय में खाना पकाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता था जिससे बहुत ज़्यादा धुआं उत्पन्न होता था और वो बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उस व्यक्ति के लिए उत्पन्न करती थी जो खाना पका रहा होता था, या घर के अंदर भी धुआं हो जाता था। तो इसलिए आज सलाह ये दी जाती है कि हर घर के अंदर एलपीजी का यूज़ किया जाए क्योंकि एलपीजी का यूज़ करने के कई फायदे होते हैं। एक तो एलपीजी को जलाने पर कोई धुआं उत्पन्न नहीं होता, कोई जहरीली गैस उत्पन्न नहीं होती। दूसरी बात, एलपीजी यूज़ करने के बाद कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं छोड़ता है जैसे कोई लकड़ी वगैरह छोड़ती है। अगला जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका नाम है पेट्रोल।
जैसे कि आपको पता है जितने भी हमारे लाइट व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर एज अ फ्यूल पेट्रोल का यूज किया जाता है, पेट्रोल बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है मोटरसाइकिल्स के अंदर, स्कूटर्स के अंदर, स्कूटीज के अंदर, और जो छोटी गाड़ियां होती हैं उनके अंदर एज अ फ्यूल इसका यूज किया जाता है। अब बात यहाँ पर करते हैं कैरोसिन की, जिसको आम भाषा में मिट्टी का तेल कहा जाता है, कैरोसिन कहा जाता है। कैरोसिन का मतलब होता है ये एज अ फ्यूल यूज किया जाता है गैस स्टोव्स के अंदर। पहले के टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी कई स्थानों पर खाना पकाने के लिए गैस स्टोव्स का यूज किया जाता है, उन गैस स्टोव्स के अंदर कैरोसिन ऑयल का यूज किया जाता है। चौथा जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका नाम है डीजल। डीजल एज अ फ्यूल यूज किया जाता है हैवी मोटर व्हीकल्स में, जो बड़े बड़े मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक हैं, इन सब के अंदर, या जो बड़ी गाड़ियां होती हैं उन सब के अंदर एज अ डीजल फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका नाम है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल कई सारे नाम मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ जो कि एज ए लुब्रिकेशन के काम आते हैं। अगर हम अपनी गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों के अंदर हमें लुब्रिकेशन कम करने के लिए इंजन ऑयल डालना पड़ता है अपने इंजन में, तो वहाँ पर जो ऑयल यूज किया जा रहा है वो काम करेगा एज ए लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन का काम करेगा। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर भी मॉइस्चर प्रदान करने के लिए भी कई सारी हम क्रीम्स वगैरह का यूज करते हैं, जैसे कि वैसलीन वगैरह हो गया, इन सब के अंदर लुब्रिकेशन लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज किया जाता है। जो नेक्स्ट हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका नाम है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स यूज किया जाता है एज वैक्स इन कैंडल्स, जो हमारी कैंडल्स होती हैं, मोमबत्तियां होती हैं, उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। एंड सेवंथ एंड लास्ट यूजफुल पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज बिटुमिन। बिटुमिन का एज अ यूज किया जाता है रोड को सरफेस करने के लिए, जब कहीं पर भी रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो वहां पर बिटुमिन यूज किया जाता है एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बताया कुछ यूजफुल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में। अब हम आ गए हैं अपने इस चैप्टर के सबसे अंतिम पड़ाव पे, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे रिन्यूएबल और एक होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल। जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके लिए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने आप को रिचार्ज करते हैं। लेकिन जो हमारे नॉन रिन्यूएबल यानी कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके लिए थोड़ा सा हमें चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं इनको बनने में करोड़ों वर्ष का समय लगता है और हमें नहीं पता वो करोड़ों वर्ष कब पूरे होंगे। और जिस प्रकार से आज इनका यूज किया जा रहा है तो ये निश्चित है कि एक समय के अंतराल के बाद ये सारे समाप्त हो जाएंगे। और जब ये सारे समाप्त हो जाएंगे तो जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, जितने भी मैंने अभी आपको काम बताए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के होते हैं, वो सारे काम हमारे रुक जाएंगे। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो हम उनका यूज इस प्रकार करें कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपने सुना भी होगा अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते समय जैसे कि सिग्नल की लाइट आती है, रेड लाइट आती है, अगर काफ़ी देर रेड लाइट है तो हमें अपने इंजन को बंद कर देना चाहिए गाड़ी के, जिससे फ्यूल हमारा बचता है। इसके अलावा हमें प्रॉपर मेंटेनेंस अपने व्हीकल का करना चाहिए। व्हीकल का अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ भी हमारे इन फ्यूल्स की बचत होगी। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें अपनी गाड़ियों के टायर के प्रेशर को बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें बताई जाती हैं जगह जगह पर, जब हम सड़क पर निकलते हैं तो सड़क पर कई सारे ऐसे बोर्ड होर्डिंग्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर बार बार हमसे ईंधन को बचाने की बात की जाती है। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे ये जो पेट्रोल बहुत जल्दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत जल्दी समाप्त हो रहे हैं इसकी गति को रोका जा सकता है। और ऐसा कुछ ना हो कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आगे जाकर हमारे लिए समाप्त हो जाएं जिससे हमें समस्याओं का सामना करना पड़े। तो जो भी फ्यूल हैं, चाहे वो घर पर है, चाहे हमारे व्हीकल में है, कहीं भी हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो पूरा ध्यानपूर्वक उसका इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी सही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पूरा चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, जिसको मैंने दो पार्ट्स में आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर ये चैप्टर आपको समझ आया है और आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी चैप्टर बहुत आसानी से समझ आए, तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 8th में पढ़ते हैं, साइंस आसानी से पढ़ना चाहते हैं। अगले वीडियो के अंदर मैं एक और नया टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।